ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। गया के शमशान घाट पर पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। पुत्र ने दी मुखाग्नि, चेन्नई में ली अंतिम सांस। लक्षद्वीप के प्रशासक और पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा का इलाज के दौरान शुक्रवार को चेन्नई में निधन हो गया। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से गया एयरपोर्ट पर तकरीबन 12:30 बजे लाया गया, जहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जिले के बेलागंज प्रखंड के पाली गांव पैतृक आवास पर लाया गया। वहां से फलूक नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की गई। पुत्र ने मुखाग्नि दी। दिनेश्वर शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस के जवानों ने सलामी दी, उसके बाद अंतिम संस्कार किया। पति के मौत से मंजू शर्मा समेत पुत्र पुत्री रो रो के बुरा हाल था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। वे लंबे समय से फेफड़े में संक्रमण की बीमारी से ग्रस्त थे। दिल्ली के एम्स के इलाज के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। वो 4 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे थे। स्वर्गीय शर्मा अपने पीछे पत्नी मंजू शर्मा, एक पुत्री और 2 नाती समेत बड़ा पूरा परिवार छोड़ गए। गया से आर के निराला की खास रिपोर्ट। दो दिन से मुझे लग रहा बहुत मुश्किल है मिलना, जिस तरह से शांति, जिस तरह की बचपन से जिंदगी गुजार कर और इस मुकाम पर पहुँचे हैं, हम नहीं विश्वास कर सकते हैं कि आगे और भी कोई इस तरह से शायद अभी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारी और इस मुकाम पर पहुँचे, वो धन्य है, बहुत महान। आज मैं कि मैसेज किसी का पढ़ रही थी कि महान आत्मा हमारे जिंदगी से चले गए हैं। और क्या बस धन्यवाद। कब से बीमार थे और कहाँ इलाज चल रहा था? इलाज इसमें चल रहा था, इससे जब ज़्यादा दिन के तो चेन्नई से हुए थे 27 तारीख को, लेकिन से बाहर नहीं रहा। ठीक सर, आप परिचय बता दें। मैडम का नाम? ब्रदर्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट एजेंसी, अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एंटरटेनमेंट।